नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कोम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है। एक्चुअली द ग्रुप कम्युनिकेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी ग्रुप कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का विस्तार है। जहाँ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो लोग आपस में बात करते हैं, वहीं ग्रुप कम्युनिकेशन में दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, साथ ही आप किसी सांस्कृतिक धार्मिक संगठन से जुड़े होते हैं, उसका एक अपना समूह होता है। और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो अनायास ही बन जाते हैं। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहाँ 5-6 लोग आपके डिब्बे में बैठे हैं और आप उनसे बतियाना शुरू करते हैं, आपका 6-7 घंटे का सफर है। वहाँ जो 8-10 लोग आपस में बात करते हैं, वो भी अपने आप में एक ग्रुप कम्युनिकेशन है। कुछ फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, जैसे आप ऑफिस में बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपका एक ग्रुप है, वो डेली आपके क्लीग्स हैं, ऑफिस में आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप संचार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, हेल्दी डिस्कशंस इनका विषय होता है। अक्सर आप देखते हैं जब ट्रेन में आप सफ़र करते हैं या बस में सफ़र करते हैं, वहाँ किसी राजनीतिक और सामाजिक विषय पर 8-10 लोग आपस में बात करते हैं, अपनी राय रखते हैं, और कई बार तो वो डिस्कशन जो है बहुत ही ज़्यादा उसका एक्सटेंशन हो जाता है। और ग्रुप कम्युनिकेशन में भी क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की तरह डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है और फीडबैक भी तुरंत होता है। ग्रुप की अगर हम बात करें तो स्मॉल ग्रुप भी होते हैं और लार्ज ग्रुप भी होते हैं। अगर क्लासरूम की हम बात करें, अगर क्लासरूम में 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उसको एक तरह से हम स्मॉल ग्रुप की कैटेगरी में हम लेते हैं। देन अगर थोड़ा सा इसे लार्ज ग्रुप का अगर हम करें, तो जो 100 लोग हैं एक सेमिनार हॉल में, वो बात कर रहे हैं किसी एक विषय को लेके, तो वो थोड़ा सा लार्ज ग्रुप है। लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में ये होता है कि एटलीस्ट आप उनको काउंट कर सकते हैं, कि जो आपके ग्रुप के मेंबर हैं, कि हम 10 लोगों ने, 20 लोगों ने या 50 लोग हम किसी विषय पर बात करते हैं। लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या है कि ग्रुप जितना बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुँचना, उस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल रहेगा। साथ ही जो बैरियर्स की हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हर आदमी का समझने का तरीका, सोचने का तरीका शायद अलग अलग होता है। लैंग्वेज का बैरियर भी कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है, और पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैक्सिमम में इंक्लूड होते जाते हैं। इसलिए ग्रुप कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये है, किसी एक सहमति पर पहुँचना, किसी एक राय, एक निष्कर्ष पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ऐसा हो सकता है, उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिनका जिक्र हम इस लेक्चर में करेंगे। अगर किसी भी ग्रुप का टीम लीडर जो है और उसके मेंबर्स जो हैं, वो एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड उनका है या वो इंटेंशन उनका अच्छा है, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन में भी एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और कुछ कंक्रीट उस कम्युनिकेशन के बाद निकाल सकते हैं। यानी जो सक्सेस है, जो सफलता है समूह संचार की, वो उसके लीडर पर और उसके जो मेंबर हैं ग्रुप के, उस पर निर्भर करती है। अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको लीडर को एक उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होना ज़रूरी है, उसको कैसे उस मीटिंग को या उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है ये होना ज़रूरी है। साथ ही पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो, लेकिन ऐसा ना हो कि जिससे कंट्रोवर्सी एक तरह से क्रिएट हो। साथ ही इंटरेस्ट आपके हैं, वो कॉमन इंटरेस्ट आपके हैं और आप एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। साथ ही उस ग्रुप के को लेके आप जो टीम की तरह काम करें, टीम स्पिरिट अगर आप में है, तो वो ग्रुप अच्छे से कम्युनिकेट करेगा और कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगा। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में एक साथ अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को आप शामिल करते हैं, उसमें फीडबैक जो है वो तुरंत आता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आते हैं, और एक विषय के अलग अलग पहलुओं पर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आपकी खुद की राय शामिल होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं जिनकी राय शामिल होती है। ग्रुप कम्युनिकेशन में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपके सामने होते हैं, इसलिए एक विषय पर चर्चा करने के लिए, निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और शायद इसलिए अच्छी जो नौकरियां हैं, उनमें जो एक स्टेप है, एक प्रोसेस है, वहाँ पे GD को भी रखा जाता है, ग्रुप डिस्कशन को भी रखा जाता है, और वो आपकी स्किल को देखना चाहते हैं कि आप क्या एक समूह को साथ लेकर चल सकते हैं, क्या एक समूह में संचार जो है वो सफलतापूर्वक आप कर सकते हैं, क्या एक टीम को आप लीड कर सकते हैं, और साथ ही क्या आप एक मेंबर के तौर पर उस टीम में अपना योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की समूह संचार की, ग्रुप कम्युनिकेशन की, ग्रुप कम्युनिकेशन के फायदे क्या हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, और ग्रुप कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मास्कोम जंक्शन। धन्यवाद।